तो हम इसका स्पोर्ट्स मोड डालेंगे. लेट गिव इट सम बीन्स. सो हाय गाइस, आज हम चला रहे हैं एमजी ग्लॉस्टर. ये है 2.0 लीटर का इंजन ट्विन टर्बो के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 215 bhp की मैक्सिमम हॉर्स पावर एंड 480 Nm का मैक्सिमम टॉर्क. पैडल शिफ्टर से मिल जाते हैं आपको इसमें, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में साथ में मिलते हैं. सो इसमें दो ऑप्शन आते हैं यूजली इंजन में, एक सिंगल टर्बो एक ट्विन टर्बो. तो ये ट्विन टर्बो वाला फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट होता है. इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मार्केट में 52 लाख के अप्रॉक्सीमेटली मिल जाती है नई गाड़ी की. एंड ये जो हम चला रही है 2022 का मॉडल है, और इसका प्राइस जो है यूज कार मार्केट स्पिनी जैसी मार्केट में आपको 33 लाख का मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देते इस गाड़ी को. इट्स ऑलमोस्ट यू आर सेविंग अराउंड 16 टू 18 लाख इन जस्ट वन ईयर. ओल्ड कार ड्राइव्स रियली गुड. सो सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे इस गाड़ी को चलाने में वो इसकी विजिबिलिटी जो है, यू रियली फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ रियल ट्रक, नॉट द इंडियन ट्रक्स बट द ट्रक्स जिसको हम फॉरेन्स में यूएस वगैरह दुबई में ट्रक एक्चुअली बोलते हैं, द रियल फील ऑफ अ एसयूवी. काफ़ी अच्छी फील मिल जाती है आपको इसकी ड्राइविंग में. एंड काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी जो है उसको चलाने में एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इसमें विजिबिलिटी आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है एंड कंट्रोल भी. सो इस गाड़ी में एडास का भी आपको फीचर मिल जाता है, जो पेडेस्ट्रियंस या ऐसे लोगों को जो एकदम सामने आ जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. और जो इसका टर्बो ट्विन टर्बो होने की वजह से इसका जो टर्बो लैग है वो बिल्कुल भी नहीं है. यू जस्ट गिव द पेडल एंड इट्स रियली रियली गुड टू गो. पावर का बस उसी टाइम आ जाता है, ग्रेजुअल होता है काफ़ी ज़्यादा. एकदम जो नॉर्मल हम टर्बो गाड़ी चलाते हैं जैसे पोलो वगैरह की, तो वो एकदम झटके से आती है पावर, इसमें वैसे नहीं है. इसमें जो पावर का बैंड है वो ग्रेजुअल रहेगा हर RPM बैंड में. इंजन का जो ग्रंट है वो काफ़ी लाउड सा हो जाता है जब आप इसको हाई RPM पे लेके जाते हो. इट फील्स लाइक समथिंग बिग इज कमिंग, यू आर ड्राइविंग समथिंग बिग एक्चुअली. स्टीयरिंग में आपको टिल्ट भी मिल जाता है, टेलीस्कोपिक भी मिल जाते हैं एडजस्टमेंट. एंड ब्रेकिंग इज रियली गुड. इंडिकेटर्स आपको राइट साइड में मिलते हैं. दिस इज अ ह्यूज कार, 5 meters लॉन्ग. सो दिस इज अ थिंग, जैसे मैंने एक्सीलेटर दिया तो उस टाइम पे बिल्कुल भी लैग नहीं आता. लो एंड में इसका जो ग्रंट है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बीइंग अ डीजल कार. दूसरा जो उसकी विजिबिलिटी है, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार. आपको इसमें विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिलेगी. तो सिटी वगैरह में चलाने में जो एक डिफिकल्टी होती है ना, नॉर्मल सिटी में बता रहा हूँ, एकदम हाई ट्रैफिक वाली नहीं, नॉर्मल सिटी में आपको डिफिकल्टी फील नहीं होगी क्योंकि कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता ए पिलर वाली साइड पे खास करके. एंड सस्पेंशन का जो स्टिफनेस है ड्यूरिंग स्पीड्स वो सही है. फॉर एग्जांपल जब आप एक्सलरेट करते हो तो गाड़ी नीचे दबती है, लाइक द लग्जरी कार स्कॉडा वगैरह ऑक्टेविया में ये चीज़ होती है कि आप सुपर में जब आप एक्सलरेट करते हो लग्जरी कार्स में वो ज़मीन के साथ दबती है. तो इसमें भी एक SUV होने के बावजूद वैसे एक फीचर है, इट्स नॉट रियली बाउंसी लाइक फॉर्च्यूनर और एंडेवर. तो हम इसका स्पोर्ट्स मोड डालेंगे,
पोर्ट मोड सिलेक्टेड है. लेट गिव इट सम बीन्स. कंट्रोल की बात करें तो गाड़ी काफी ज्यादा आपको बड़ी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा आपको कंट्रोल में फील होती है बिकॉज ऑफ बिग टायर्स एंड ग्रेट ब्रेकिंग. सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. आपको साइड स्पोर्ट एंड एज वेल एज बैक स्पोर्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मिल जाती है इसमें. साइड पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स भी मिल जाते हैं इसकी वजह से आपको विजिबिलिटी ड्यूरिंग टर्न्स और यू टर्न्स काफ़ी क्लियर मिल जाती है इस गाड़ी में. If you are thinking of buying a big car जिसमें आप long travels बहुत comfortably कर पाओ, so I think this is a really good car to drive और chauffeur driven as well because इसके rear seats and front seats बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड सस्पेंशन की बात कर ली, जैसे अंडालूशन आती है तो आपको इतना बिल्कुल भी फील नहीं होता बॉडी में. कार डेफिनेटली ऊपर नीचे होती है बट कैबिन में बिल्कुल भी उस चीज़ का एक इम्पैक्ट फील नहीं होता बॉडी में जो आपके आता है. सो एक बेस्ट चीज़ है इस गाड़ी के बारे में. जब भी आप गाड़ी को लेके जाओगे तो देर वुड बी दैट थिंग, द बिग कार थिंग. आई होप यू लाइक दिस ड्राइव रिव्यू. This is the first drive impressions of MG Gloster. एकदम basic review सा था. How is the car in driving? So this is it. Automatic lights अपने आप ऑन की जैसे हम अंधेरे में. So this is the fun of luxury. Effortless driving experience. Steering बहुत ज़्यादा smooth है इसका. अपने आप center turn होता है. सो एक बेस्ट टिप है, जब भी आप गाड़ी को इस तरह के टर्न्स में चलाओ गाड़ी को पार्किंग में, तो हमेशा अपना राइट हैंड का कॉर्नर देखो जो सबसे फर्स्ट होता है टच होने के लिए, उसको क्लोज रखो. अगर वो क्लोज है तो गाड़ी कहीं से भी आगे पीछे से टच नहीं होती यूजुअली. गाड़ी पार्क करते हैं. सो पीछे चलने के लिए बड़ी समझ देगी. Car is parked. Thank you guys for watching the video. This is the all new MG Gloster 2022.